चलिए क्वेश्चन नंबर 110 में आपको दिया हुआ है एफ एक्स माइनस टू से जीरो के बीच में इसका फॉर्मूला है वन प्लस सी एक्स अंडर रूट वन माइनस सी एक्स बाई एक्स और जीरो से टू में इसका फॉर्मूला एक्स प्लस थ्री बाई एक्स प्लस वन। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द एंटायर इंटरवल माइनस टू टू टू। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो माइनस टू से जीरो में प्रॉब्लम तब तक नहीं आएगी जब तक डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो जाता। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे जब आप एक्स को जीरो डालते हो तो ये जीरो बाई जीरो आएगा। तो यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जीरो पे कंटिन्यूअस होना चाहिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जीरो पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप डालोगे तो यहाँ से आपको पता लगेगा ये जीरो के राइट में इसका जीरो माइनस वन पे आ रहा है बट माइनस वन यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है तो दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो लेकिन जीरो पे इसकी वैल्यू क्या आएगी जीरो प्लस थ्री बाई जीरो प्लस वन। तो राइट हैंड लिमिट और एफ जीरो आपका आ गया थ्री, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको यहाँ से मिलेगी। तो अगर कंटिन्यूअस है जीरो पे ये तो इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड लिमिट और वैल्यू तो थ्री है तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी थ्री के बराबर होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा लिमिट एक्स गोइंग टू जीरो अंडर रूट वन प्लस सी एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस सी एक्स बाई एक्स। इसमें हम बायनोमियल का यूज करेंगे वन प्लस सी एक्स को हम लिखेंगे वन प्लस सी एक्स पावर वन बाई टू अंडर रूट इसको और वन प्लस एक्स पावर एन एक्स गोइंग टू जीरो पे क्या होता है वन प्लस एन एक्स ये बायनोमियल का हमने पढ़ा हुआ है। तो ये वन प्लस हाफ सी एक्स हो जाएगा और ये दूसरा वाला हो जाएगा वन माइनस हाफ सी एक्स। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो न्यूमरेटर में आएगा सी एक्स और डिनोमिनेटर में एक्स 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 कैंसिल हो जाएगा ये लिमिट आएगी सी के बराबर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी सी आ रही है राइट हैंड लिमिट और वैल्यू थ्री आ रहा है तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सी मस्ट बी इक्वल टू थ्री तो इससे आंसर आ जाएगा सी इक्वल टू थ्री।